जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2022 के फर्स्ट पेपर के। चैप्टर का नाम आपके पास है फंक्शन, एनडीए 2022 का फर्स्ट पेपर। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 4fx minus f of 1 by x इज इक्वल टू, यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, इसको आप डायरेक्ट ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख दो। इसको डायरेक्ट लिख देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख देंगे इसको। अब यहां से मुझे f ऑफ 2 तक पहुंचना है, मतलब मुझे f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन f ऑफ 1 बाय x मेरे को नहीं चाहिए, f ऑफ 1 बाय x नहीं चाहिए, f ऑफ x चाहिए। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं एक बार x की जगह पर 1 बाय x पुट कर देता हूं पूरी इक्वेशन में। और पूरी इक्वेशन में जब ये काम करता हूं तो पूरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बदल जाएगी। यहां पर आ जाएगा 4 बाय एक्स स्केयर और यहां पर आ जाएगा माइनस का एक्स स्केयर। ये आपके पास पहली इक्वेशन है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। और इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हमने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, जिस तरीके से आप लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया करते हैं, एक्स और वाई वाली इक्वेशंस को, जैसे इस तरीके की इक्वेशंस हुआ करती थी, अपने इस इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से एलिमिनेशन से हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करेंगे और एफ ऑफ 1 बाय एक्स को खत्म करना है। तो एफ ऑफ 1 बाय एक्स को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देता हूं। पहली इक्वेशन को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां माइनस का 4f ऑफ 1 बाय एक्स आएगा, जो कि प्लस के 4f ऑफ 1 बाय एक्स से कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर 16fx में से फिर fx को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15fx आ जाएगा। इधर 4, इसको 4 को इधर भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 16x स्क्वायर। और इस 16x स्क्वायर में जब इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास बनेगा 15x स्क्वायर। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ इतना सा बचेगा, फिर 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और fx की वैल्यू आपके पास x स्क्वायर आ जाएगी। मुझे f ऑफ 2 चाहिए तो x की जगह पर मैं 2 पुट कर दूंगा और मेरा आंसर इस क्वेश्चन का 4 आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा, फंक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन था और डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फंक्शन के अब मैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 4x प्लस 3, मुझे f x चाहिए, बाद में x की जगह माइनस 1 पुट करना होगा। तो इसका पहले तो मतलब क्या है, इसका मतलब है f के अंदर एफ एक्स पड़ा है, इसका मतलब तो ये हो गया। एफ एक्स की वैल्यू मुझे पता है, उठाकर पुट कर दो इसके अंदर। तो f के अंदर 4x प्लस 3 आ जाएगा, 4x प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद f के अंदर 4x प्लस 3 आ गया और एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास 4x प्लस 3 थी। अब x की जगह पर पुट करना है 4x प्लस 3, और जब इसके अंदर x की जगह पर 4x प्लस 3 पुट करेंगे x की जगह पर, तो इधर भी पुट करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 4x प्लस 3, और प्लस में 3 आगे आ ही जाएगा प्लस 3। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई, इसकी वैल्यू बन गई 16x प्लस 15, 16x प्लस 15 इसकी वैल्यू चाहिए। अब x की जगह पर इसके अंदर x की जगह पर 16x प्लस 15 रख देंगे तो ये आ जाएगा 16x प्लस 15, और प्लस का ये 3 पड़ा ही है। लो भाई, ये मेरा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो ये बन गया 64x
प्लस 63, ये वैल्यू आ गई एफ ओ एफ ओ एफ एक्स की। अब मुझे x की जगह पर माइनस वन पुट करना है, और x की जगह जब माइनस वन पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 64 प्लस का 63, और आंसर हो जाएगा माइनस वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, माइनस वन हो जाएगा। कंपोजिट फंक्शन का ये क्वेश्चन था एफ ओ एफ ओ एफ एक्स, ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन माना जाएगा ये। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शन वाई इक्वल टू टेन एक्स। तो वाई इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ए की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, या टेन की पावर एक्स है, जो भी फंक्शन हो, इनका ग्राफ हम जानते हैं कुछ इस तरीके से रहता है, ये इसका ग्राफ होता है। और इस ग्राफ को देखकर मैं क्लियरली बता सकता हूं कि इसका डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, क्योंकि मैं एक्स की जगह पर कुछ भी रख सकता हूं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। उसके बाद ये फंक्शन लगातार ग्राफ कंटिन्यू जा रहा है, मैं बोलूंगा फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, ग्राफ के अंदर कोई भी तीखा कोणा नहीं आया, शार्प एज नहीं आया, मैं बोलूंगा फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। तो उसने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मेरा आंसर हो जाएगा तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। तो ये था 2022 के फर्स्ट पेपर का फंक्शन का तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, फंक्शन का चौथा क्वेश्चन। टोटल चार क्वेश्चन आए थे और ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चौथा क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन कहता है इसका डोमेन बताओ क्या है। तो अंडर रूट के अंदर क्या दिया है, अंडर रूट के अंदर हमें कुछ ऐसा दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन, और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ब्रैकेट को ओपन करता हूं, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, वन से वन कैंसिल हो गया और अंदर मेरे को मिल रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको चेक करके बताना है कि इसके अंदर x की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं क्या नहीं रख सकता। तो मैं जानता हूं कि अंडर रूट के अंदर जो भी आता है, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है उसको मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ता है, क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता। दोनों साइड जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, x कॉमन आ गया, x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहां पर मैं देख सकता हूं नंबर लाइन के कंसेप्ट से कि एक x की वैल्यू जीरो आ रही है, एक x की वैल्यू टू आ रही है, मैं प्लस माइनस प्लस रखूंगा और लेस देन जीरो क्या बोलता है कि नेगेटिव वाला पोर्शन आपका आंसर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू रहेगी जीरो से लेकर टू के बीच में, और जीरो और टू को इंक्लूड करना है, साथ में इक्वल टू का साइन भी लगाना है, इसलिए यहां पर जो ये ब्रैकेट आ जाएगा आपके पास, कौन सा ब्रैकेट हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा आपके, सॉरी क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, ये आपके पास क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक बात, ओके। ये वाला ब्रैकेट जीरो से टू इंक्लूड करना है, जीरो से टू को इंक्लूड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर चार का आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा डी ऑप्शन। तो ये थे चार क्वेश्चन फंक्शन के, थैंक यू सभी को।